हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी फ्रेंड्स? आज हम बनाएंगे पनीर पराठा, जो मैं अपनी बेटी के लंच बॉक्स के लिए, स्कूल लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ। आप इसे चाहे तो नाश्ता में, लंच में, डिनर में, बड़े बच्चे सभी लोग खा सकते हैं और ये बहुत ही हेल्दी है। ये देखिए, ये हमारा पनीर है। मैं 150 ग्राम पनीर ली हूँ और ये 5-6 हरी मिर्च ली हूँ। आपको जितना तीखा चाहिए आप डालें, जितना आपके बच्चे खाते हों या आप लोग खाते हों। ये धनिया है और ये बीरूट है यानी चुकंदर। इसे मैं अच्छे से धो के इसका छिलका निकाल दी हूँ। ये काली मिर्च का पाउडर है, अजवाइन। मैं इसका मसाला तैयार करूँगी। पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले आटा लगा लूँगी ताकि ये आटा जो है ना सॉफ्ट हो जाए और हमारा आटा अच्छे से सेट भी हो जाएगा। उसके बाद मैं पनीर का मसाला तैयार करती हूँ। मैं आटे में सबसे पहले नमक डाली हूँ, इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और इसमें थोड़ा ये मैं घी मेल्ट करके रखी थी पिघला के, उसे मैं डाल रही हूँ इसको भी। इससे क्या होता है ना, पराठा हमारा सॉफ्ट होता है। मैं पहले आटा लगा के रख लेती हूँ, फिर मैं इसका फिलिंग यानी पनीर का मसाला बना के मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाऊँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, मैं यहाँ इस बॉटल में ना गुनगुना पानी ली हूँ, थोड़ा थोड़ा डाल के इसको हम अच्छे से, जैसे चपाती का डो लगाते हैं वैसे ही हम इसे सॉफ्ट बना के तैयार करेंगे। और जब तक हमारा मसाला रेडी होगा तब तक ये हमारा आटा भी रेस्ट कर लेगा, अच्छे से फूल जाएगा तो पराठा और ही अच्छे बनेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, मैं इसका तो बताना ही भूल गई आपको कि मैं इसका उसमें कैसे डालूंगी आटे में। चलिए, अच्छा हुआ अभी आटा पूरा पानी से गीला नहीं हुआ था। इसको बीरूट को हम क्या करेंगे ना कि काट के छोटे छोटे टुकड़ों में और इसे हम ग्राइंड करके और इसी से हम आटा को गूंथ देंगे। सॉरी यार, मैं भूल गई क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए। वो बहुत ऐसा सब कुछ नहीं खाती है तो बस माइंड में यही था कि खाएगी कि नहीं खाएगी, तो इसके लिए दिमाग से उतर गया। ये देखिए, ये बीरूट दोनों और 2 कली लहसुन और ये छोटा टुकड़ा अदरक का। आप चाहे तो लहसुन अदरक स्किप भी कर सकते हैं। बस इसको हम पानी डाल के ग्राइंड कर लेंगे और आटे में हम गूंदेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यही हमारे चुटकू है। इसके चलते मेरी वीडियो डिस्टर्ब हो गई, इसके लिए सॉरी। चलिए हम आगे बनाते हैं। ये देखिए, अभी थोड़ा ही बनाई थी, अभी इसे और पानी चाहिए। तो ये मैं जो बनाई हूँ ना बैटर, इसका मतलब जो ग्राइंड करके उसको थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा हेल्दी आटा, ये गेहूं का आटा है, वीट फ्लोर, मैदा नहीं है ये। और बीरूट भी हेल्दी है, पनीर भी हेल्दी है, तो ये सबका एक अच्छा सा सॉफ्ट डो बना के हम तैयार करेंगे। जिसे हम कौन से कलर का बोलेंगे कान्हा, विच कलर, जो जल्दी से बोलिए कौन सा कलर का है। अनु को नहीं पता। ओह नो, ये देखिए कौन सा कलर है। वाह कान्हा, ये देखिए, ये हमारा आटा गूंथ के रेडी हो गया। अब इसे हम रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। उससे पहले थोड़ा इस पे घी तेल जो भी हो आप लगा दे और इसे ढक के रख दे। तब तक इसे हम ढक के रख देंगे, ये फूलता रहेगा। और उससे पहले हम मसाला तैयार करेंगे पनीर का। ये है हमारा पनीर, इसको पहले छोटा छोटा ऐसे क्रश कर लेंगे। आप चाहे तो इसे कद्दूकस से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे गर्म पानी में भिगोई थी क्योंकि फ्रिज वाला पनीर है तो ये सॉफ्ट हो गया। देखिए ऐसे कर लेंगे, उसके बाद सारा मसाला इसमें हम मिक्स करेंगे। ये देखिए सब पनीर अच्छे से मैश हो गया है। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। सबसे पहले मैं धनिया काटूंगी इसे छोटे छोटे टुकड़ों में। मैं आपको पहले ही बता चुकी आप लोगों की, मैं पहले इसे सब धो के रख ली थी और अभी छोटा छोटा बिल्कुल बारीक मैं ग्रीन चिली काटूंगी यानी हरी मिर्च, ताकि वो दांत के नीचे जाए तो सडनली तीखा ना लगे। बड़ा बड़ा काटने से क्या होता है, दांत के नीचे जैसे जाता है ना सडनली तीखा लगता है, तो इसके लिए मैं एकदम बारीक छोटा छोटा काटूंगी। आप चाहें तो इसे क्रश करके
दरदरा कूट के भी डाल सकते हैं। मैं भी इसे अभी कूटूंगी क्योंकि ये बच्चे भी खाएंगे बड़े भी खाएंगे। तो ये देखिए मैं तो इसी से सडनली जल्दी जल्दी ऐसे कूट देती हूँ ताकि बस ये ऐसे कूट के छोटा हो जाए। ऐसे देखिए बस इतना ही, और फिर उसके बाद हम प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये हमारा नाश्ता बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। और फ्रेंड्स मैं वो भूल गई थी बीटरूट का ग्राइंड करना, उसके लिए सॉरी, उसको इग्नोर कीजिएगा और वीडियो को इंजॉय कीजिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट करना ना भूलिएगा। चलिए देखिए हम प्याज को भी छोटा छोटा बारीक बारीक काट लेते हैं। आपको प्याज लंबा काटना है तो लंबाई काटे पर बारीक काटे, लेकिन ये छोटा छोटा वाला अच्छा होता है क्योंकि हमें इसे भूनना तो है नहीं। आप भून के भी पनीर में डाल सकते हैं, लेकिन मैं वैसे नहीं डालती हूँ, मैं ऐसे ही सडनली सब काट के डाल देती हूँ। ये देखिए एक प्याज, 5-6 हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पत्ता, ये हो गया हमारा इधर। फ्रेंड्स ये वाला बाउल छोटा पड़ रहा था तो मैं इसमें गिरा रही हूँ, देखिए इसमें करके अच्छे से मिक्स होगा। यहाँ मैं डालूंगी स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा मैं आटा में भी डाली हूँ उसको ध्यान रखते हुए, थोड़ा चुटकी भर ब्लैक पेपर, और ये चाट मसाला थोड़ा, चाय का छोटा चम्मच, थोड़ी सी लाल मिर्च जो तीखी वाली नहीं है, कश्मीरी लाल मिर्च है, और थोड़ा गरम मसाला। आपको और तीखा चाहिए तो और हरा मिर्च डाल सकते हैं, और हरा मिर्च नहीं डालना है तो आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डालूंगी क्योंकि बहुत तीखा हो जाएगा हम लोगों के लिए। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर ये हमारा फिलिंग तैयार है पराठा बनाने के लिए। ये देखिए हम बहुत लोगों को देखे ना फ्रेंड्स, वो लोग क्या करते हैं बस सडनली पनीर को क्रश किया, नमक डाला, थोड़ा गरम मसाला डाला, प्याज लहसुन जो भी डालना हो डाला, धनिया पत्ता, और कोई मसाला नहीं, मिर्चा का अचार भी इसमें मैश करके बना देते हैं लोग, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आता क्योंकि वो अचार का उसमें टेस्ट आता है। बाकी जिसको पसंद आता है वो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। बस पनीर में प्याज धनिया पत्ता मिर्चा सब डाल के नमक और बस उसका क्या बोलते हैं मिर्चा का अचार मैश करके एक बार बना के आप लोग ट्राई कर सकते हैं। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है तो मैं वैसे नहीं बनाती हूँ, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। चलिए अब हम इसे बनाते हैं। ये देखिए ये बन के बिल्कुल तैयार है। ये देखिए आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए चलिए अब हम इसे बनाते हैं। उधर मैं तवा रखती हूँ गर्म होने के लिए। अब इसका छोटा छोटा पेड़ा हम बना लेंगे, आपको जितना बड़ा चाहिए आप बना सकते हैं। और ये ऐसे आटा में लगा के और ऐसे बीच से, मुझे तो यही सबसे आसान पड़ता है, ऐसे बीच में इसको होल करके और ऐसे मैं भर देती हूँ। मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डाली हूँ पराठा का, जिसमें मैं ऐसे ही इसके अंदर फिलिंग भरी हूँ और इसको इसे धीरे धीरे ऐसे प्रेस करेंगे अंदर जाएगा, और फिर ये इसको ऊपर से ऐसे लॉक कर देंगे हम। ये देखिए हमारा बॉल बन के रेडी हो गया। अब हम इसको रोल करेंगे ऐसे, बीच में ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, साइड साइड से ऐसे प्रेस करते हुए इसका हम एक इतना बड़ा राउंड शेप तैयार करेंगे। और फिर इसे धीरे, इसको प्रेस करके नहीं करना है, धीरे करके हम इसे रोल करेंगे। आपको जितना मोटा पतला चाहिए आप बना सकते हैं। ये देखिए देखिए बन के तैयार हो गया। चलिए अब हम इसे तवे पे सेकते हैं। ये देखिए हमारा तवा गर्म हो गया है। हमारे यहाँ ना सबसे पहले ये छोटा छोटा दो रोटी डालते हैं, आपके यहाँ डालते हैं कि नहीं आप लोग बताइएगा, और एक छोटी पहली रोटी निकालते हैं, लेकिन मैं यही डालती हूँ। और ये इसको निकालने के बाद ये जो मैंने रोल किया था पनीर का पराठा वो मैं डाली हूँ। चलिए अब एक दूसरा बनाते हैं, तब तक ये सिक रहा है। ये देखिए हम सेम ऐसे एक छोटा पेड़ा लेंगे। अब इसे मैं दूसरे तरीके से बताती हूँ, अगर जो आप वैसे नहीं इसको
अंदर पनीर का फिलिंग भर पाते हैं, तो मैं दूसरा तरीका बताती हूँ आपको। ये देखिए चपाती जैसे हम इसको रोल करके बड़ा कर लेंगे ऐसे, और यहाँ बीच में हम पनीर का फिलिंग रखेंगे। ये सबसे इजी तरीका है पराठा बनाने का। उसमें जो मैं पहले बनाई हूँ वो फट भी सकता है। ये देखिए ये सेंटर में रख के एक साइड से इसको करेंगे हम ऐसे, और दूसरा साइड ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इधर से ये फोल्ड करेंगे और ये ऐसे बीच से थोड़ा प्रेस करेंगे। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल पैक हो गया। अब इसे थोड़ा ऐसे रोल करेंगे, ज्यादा इसको भी प्रेस नहीं करना है, थोड़ा ही। आप इसको ऐसे ना डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई से अच्छा सेलो फ्राई है, हेल्दी भी है, बना के खाएं आप लोग। और वीडियो अच्छी लगे तो एक बार और बोल रही हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये भी नहीं फटा पराठा हमारा, और अच्छा से पैक हो गया। चलिए ये देखिए पराठा एक तरफ से सिक गया था, दूसरा तरफ है, और मैं इस पे अब हम घी लगाती हूँ, और ये दूसरे तरफ से घी लगा के अच्छे से सेकूंगी, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये जले नहीं। ये देखिए हमारा पराठा कलरफुल भी है, हेल्दी भी है। ये देखिए कैसे फूलेगा हमारा पराठा। ये देखिए हमारा पनीर का एक पराठा बन के रेडी है। चलिए अब हम दूसरा बनाते हैं। ये देखिए मैं इसे भी डाल दी। अब देखिए फ्रेंड्स, अब तीसरे तरीके से बनाना सिखाएंगे आपको पराठा। दो पेड़ा ऐसे लेंगे छोटा छोटा, ये देखिए, और दोनों को सेम चपाती के साइज में रोल कर लेंगे। ये देखिए ये दोनों पेड़ा को हम अलग अलग ऐसे चपाती के साइज में रोल करके, और एक के बीच में ऐसे हम ये पनीर का फिलिंग रखेंगे, और इसे अच्छे से ऐसे चारों तरफ फैला देंगे। आप इसके अंदर पनीर कम या ज्यादा कर सकते हैं। और ये दूसरा चपाती इसको ऊपर से ऐसे रख दें। आप चाहें तो चारों तरफ से फॉक्स से भी सील कर सकते हैं। मैं इसे ऐसे फिंगर की सहायता से ही ऐसे पैक कर दे रही हूँ। ये देखिए पैक हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा ऐसे आटा लगा के, और ये स्लो, बिल्कुल स्लो ऐसे इसको हम रोल करेंगे। मैं आपको तीन तरह से पराठा भरना सिखाई। आप ऐसे आलू सत्तू किसी भी चीज़ का पराठा बनाएं, तो ये तीनों तरीका अपना सकते हैं। और ये वाला जो है ना, ये तीसरा तरीका, ये तो बिल्कुल इजी है, इसे कोई भी बना सकता है। जितना पतला चाहें आप कर सकते हैं। ये देखिए दिख रहा है ना पनीर इसके अंदर से। चलिए अब इसे भी हम सेक लेते हैं। ये वाला पराठा जो मैं डाल के गई थी, इसे उलट पलट दी थी, बस इसमें घी लगा के थोड़ा सेकना है। थोड़ा गड़बड़ ये हो गया है, ये और पतला हो सकता था, बट मुझे डर लगा कि ये फट जाएगा, तो मैं इतना ही बनाई। ये अच्छे से फूला नहीं फ्रेंड्स, बट अच्छा बनाया। आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, ऐसे भी पराठा बनता है। ये देखिए ये भी सिक गया है, इसे भी निकाल लेते हैं। और अब हम तीसरा पराठा यानी ये वाला डालते हैं। ये सबसे बड़ा है और सबसे इजी भी है बनाने में। अब इसे भी हम सेम दोनों तरफ से सेक के उलट पलट के और घी लगा देंगे। इसी तरह हम सारा पराठा बना लेंगे। ये देखिए एक तरफ से सिक गया है, इधर का पूरा सिक गया है, दूसरे तरफ से हम इसको सेक के अच्छे से फिर घी लगाएंगे। ये देखिए पराठा दोनों तरफ से सिक गया है। अब इसमें हम घी लगाएंगे और अच्छे से सेकेंगे। इसकी ये खासियत है कि सिक जाएगा तो दोनों चपाती अलग अलग हो जाएगा। देखिए
दिखने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ। और मुझे सबसे आसान लगता है जो फर्स्ट टाइम मैं पराठा बनाई राउंड करके बीच में फिलिंग करके ऐसे अंगूठा से दबा दबा के, वैसा मुझे ज़्यादा आदत है। कोई भी पराठा मैं वैसे इजीली और बहुत तेज़ी के साथ बना लेती हूँ, क्योंकि सबसे आसान तो ये वाला पराठा बनाना है, इसे कोई भी बना सकता है। लेकिन मुझे सबसे आसान जो फर्स्ट टाइम मैं पराठा बनाई वैसा ही मुझे इजी लगता है बनाना, चाहे किसी भी चीज़ का बनाना हो मैं वैसे ही बनाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा तीसरा पराठा भी बन के रेडी हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे पराठे बन के रेडी हो गए। दही, मिर्चा का अचार, आप इसे यहाँ पे नींबू का अचार, आम का अचार जो आपको पसंद है वो बनाए। ये हमारा मिर्चा का अचार है यूपी स्टाइल, जो यूपी में हम रहते हैं वहाँ का बना हुआ हमारा यूपी स्टाइल है मिर्चे का अचार है, चटपटा एंड स्पाइसी। और ये रहा हमारा पनीर का पराठा, ये देखिए कितना हेल्दी, हाँ वी रूट का हेल्दी एंड टेस्टी पराठा। ये तो हो गया हमारा राउंड वाला पराठा। बाकी मैं तीन पराठा जो दिखाई थी बनाने का तरीका, ये देखिए ये थर्ड पराठा, ये देखिए कितना ईजिली इसमें और आप डाल सकते हैं फिलिंग, कितना ईजिली ये निकल जा रहा है। इसे ऐसे करके टिफिन बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं, खाने के लिए भी दे सकते हैं आप लोग। और ये हमारा सेकंड पराठा, जो ये भी अच्छा ही है, इतना बुरा नहीं है, बस शेप नहीं इसका हुआ है। आप इसको मनचाहा ऐसे ऐसे जो भी शेप हो काट के बच्चों को दे सकते हैं। देखिए मैं दिखाती हूँ, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, बट ये देखिए ऐसे भी काट के आप बच्चों को दे सकते हैं। और ये हमारा फर्स्ट पराठा जो मेरा फेवरेट है, जो मैं सब कुछ इसी तरीके से बनाती हूँ सारा पराठा। ये देखिए इसका भी देखिए एकदम अच्छे से फूल गया था, पक गया था, है ना हमारा ये हेल्दी पराठा। फ्रेंड्स, अगर जो आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो फिर से एक बार कह रही हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपके बच्चे अगर जो सब्जी, कोई भी सब्जी नहीं खाते हरी सब्जी, तो आप उसे ग्राइंड करके आप आटे में मिक्स करके बना सकते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलेगा और वो अच्छे से खा भी लेंगे। चलिए अब वीडियो को हम बस यहीं तक रोकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आज के लिए इतना ही, फिर से एक बार दिल से आप लोगों को थैंक यू सपोर्ट करने के लिए मुझे, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।